मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सोलन दौरे ने भाजपा कार्यकर्ताओं को गदगद कर दिया है, क्योंकि जयराम ठाकुर के समक्ष जो भी मांगों की सूची प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप की टीम ने रखी, वह सभी मांगे पूरी कर दी गई। सभी यह सोच रहे थे कि नगर निगम में मिली शिकस्त के चलते मुख्यमंत्री सोलन को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक तोहफों की झड़ी लगा दी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह भाजपा को सोलन में अधिक मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। यही देखकर भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ शहरवासी भी बेहद हैरान थे। लेकिन इस कार्यक्रम में एक और हैरान करने वाली बात भी देखने को मिली। स्टेज पर कई राजनीतिक धुरंधर जो सोलन में बिंदल गुट की सक्रियता की वजह से हाशिए पर थे, वह भी मुख्यमंत्री के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठे नजर आए। यही नहीं, इस सारे कार्यक्रम में बिंदल गुट निष्क्रिय सा नजर आया। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री कोई घोषणा करते थे तो उनके पीछे नारे लगाने वाले भी आज बदले बदले से नजर आए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सोलन की राजनीति में कुछ बदलाव आ रहा है। अब यह बदलाव भाजपा के हित रहेगा या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात यहां साफ प्रतीत हो रही है कि अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह मुख्यमंत्री सोलन में अपना गुट बनाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। उनके गुट में राजेश कश्यप, पुराने और नए कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा को मजबूती प्रदान करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि कुछ नेता राजेश कश्यप का पलड़ा भारी होते देख पाला बदलकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं।